श्रीमंत शंकरदेव कलक्षेत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीर लाचित बरफुकन 400 संख्यक जन्म जयंती उद्यापन बसरजोरा अनुष्ठान शुभारम्भ कर राष्ट्रपति कलक्षेत्र भार्चुअलि जोरहाट जिलार टियकर समीपर नराहिलईदारित लाचितर मईदाम सौंदर्य बर्धन तथा मेरामतिर आधारशिला स्थापन करते ददरत आलायबर रणजुद्ध स्मारक आधारशिला स्थापन करें राष्ट्रपति राइजर आदरणीय और आप्याय मोर हृदय जय कर मंत्य राष्ट्रपति समग्र देशे एक कथा शिक लगे मंत्य भूपेन हजरीकार गीतर कलि आवड़ाले राष्ट्रपति मुख्यमंत्री प्रदान कर वीर लाचित छवि राष्ट्रपति भवन संग्रहालय सम्मान सहकारे रखा हम राष्ट्रपति घोषणा लोई मोर नमस्कार। आज असम के आप सभी भाई बहनों ने जिस उत्साह और प्रेम से जब से मैं गुवाहाटी आया हूँ जो स्वागत किया है उसने मेरे दिल को छुआ है। आप सबके स्नेह की स्मृति मेरे हृदय में हमेशा बनी रहेगी। ये तो हम सब जानते हैं कि अतिथि देवो भव की भावना असम के सभी लोगों में संस्कार में उपजी हुई है, लेकिन अपनों का स्वागत करने की परंपरा सभी देशवासियों को असम के लोगों से सीखनी, क्योंकि मैं अपने को आज अतिथि नहीं मान रहा हूँ। मैं जैसे आप हैं वैसे ही मैं भी हूं, मैं अपने अपने की बात कर रहा हूं। अपनों से मेरा अभिप्राय ये है कि मैं आप सबका हूं और आप सब मेरे हैं। जैसे आप सब देश के नागरिक हैं उसी तरह मैं भी भारत का एक नागरिक हूं। अंतर केवल इतना ही है कि लोग मुझे प्रथम नागरिक कहते हैं। इसलिए आज मेरा अपनों द्वारा अपने राष्ट्रपति के रूप में जो स्वागत किया गया है उससे मुझे अपने परिवार के साथ जुड़ने का एक सुखद एहसास हुआ है। ऐसे अनोखे स्वागत के लिए मैं असम के आप सभी भाई बहनों विशेषकर गुवाहाटी के लोगों तथा मुख्यमंत्री महोदय को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। देवियों और सज्जनों, असम के अद्वितीय आकर्षण को व्यक्त करना भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा ही संभव था। असम के बारे में उनकी इस पंक्ति ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा था, गोटोई जीवन विसार लेव अलेख देवक राती अखम देखोर दरे ने पाऊँ ईमान रखाल माटी, अर्थात अनगिनत दिन और रात लगाकर जीवन भर तलाश करने के बाद भी आपको असम जैसा प्रदेश नहीं मिलेगा और यहाँ जैसी उपजाऊ माटी नहीं मिलेगी। आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो लाचित बोरफुकन का चित्र भेंट किया है उसे राष्ट्रपति भवन म्यूजियम में यथा सम्मान सहित उसको डिस्प्ले किया जाएगा।